राइट जी, हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, सरल सरल क्वेश्चन थे, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। यस सर। रेशमा और प्रवीणा जी को क्या हुआ? व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम? तो रेशमा जी जो है वो 19th है और प्रवीणा जी जो है वो 13th है। देखिए आप क्वेश्चन बनाने वाले की गंदी आदतें, जानबूझ के ससुरे ने 19 पहले और 13 बाद में लिखा, जानबूझ के। नाइन्थ है। सुन नहीं है यार, नाइन्थ है, नाइन है। देखो मैं गधा हूं, फिर पता चलता है इस बात से, मतलब व्यक्ति मासूम है, मैं ही मान के रखा हूं कि वो मासूम नहीं है। ये सब प्रेजुडाइजेस गलत होते भाई। सो नाइन्थ एंड 13th फ्रॉम द टॉप 57। तो आपको ये पता है कि यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो 57 माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 57 माइनस 13 प्लस 1, राइट? सर ये हम लोग बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला है ही नहीं, किसने बोला कहीं कोई फॉर्मूला है? नो सर, मींस विदाउट डूइंग दिस नॉर्मल लॉजिक। क्या करोगे बताओ? सर करेंगे यही पर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हाई मेरे दोस्त, यही है, यही ऐसे ही होता है। आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी है? बार बार मैं उसी पिक्चर में पहुंच जाता, बढ़िया प्यारी मौत। नहीं देखी यार। श्रेयांशु नेक्स्ट टेस्ट में आपके माइनस 5 है, ठीक है? रुचि नेक्स्ट टेस्ट में आपके भी माइनस 5 है। सर कई बार देखी है, कई बार देखी है, प्लस नहीं होगा कोई। सर मल्टीपल टाइम फर्ज था। हाँ कृपा, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा बेटा, अभी अपन बात करते हैं इस बारे में। सर क्लियर? गुड गुड। कृपा देखो, कृपा ने पूछा है कि हम ऐड क्यों करते हैं प्लस 1। तो देख बेटा सर, क्योंकि हमको जिस वैल्यू से स्टार्ट, हम बढ़िया ठीक। कृपा अब मेरा दोस्त बताएगा, बता कितने डब्बे बनाऊं जिसको मैंने ब्रर करके चुप करा दिया था, अब बोलो मेरे दोस्त। अरे कोई दोस्त बोल रहा था। भाई तू बोल रहा यार, ठीक मैं समझाता हूं बिल्कुल आराम से। कृपा मान लो अपन यहाँ पे ना 6 डब्बे 7 डब्बे बना लेते, ठीक है? कितने बन गए? 6 बन गए, फाइन ना? कृपा यस सर। ओके मैं कुछ भी रैंडम पी आर एस एल एम टी लिख देता हूं। तो अगर हम बोलते हैं कि एस जो है या एल जो है आगे से फोर्थ पर है, तो पीछे से कितने पर होगा? तो आप बोलते हो टोटल 6, उसमें से 4 हटा दो, 2 बचे, 1, 2 प्लस 1। क्लियर? यस सर। गॉट इट? वेरी गुड, समझ में आया? बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सो हाँ, फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट वाज द आंसर भाई? 8 और 1 9 49 और 40। ये सुनो, 4 और 1 5, 9 और 5 कहाँ पर है? 9 और 5 यहाँ पर। मैं काफी आलसी हूँ बेटा। ये काफी तेज लोग हैं यार क्लास में, क्वेश्चन डिफिकल्ट करने पड़ेंगे। वीरदास, वीरदास तो एक एक्टर का नाम है, है? स्टैंड अप कॉमेडियन था जो धीरे-धीरे एक्टर बन गया। वीरदास रैंक 7th सर। उल्टा क्या सर? पहले एक्टर था फिर स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। हां गधा हूं मैं। हां सर,
नहीं यार स्टैंड अप कॉमेडियन है, पहले एक्टर बना। हाँ सर वही कहा मैंने। ओके ओके ठीक है, ये मैं याद रखूंगा, अगली बार कभी पूछा किसी ने रोड पे तो बताने पड़ेगा। खैर नाउ वीरदास रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। बहुत सुंदर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास? तो ध्यान से सुनना कृपा, इधर हम प्लस वन ऐड नहीं, यानी वन ऐड नहीं करते, वन सब्ट्रैक्ट करते, राइट? यहां से आप 7th आते हो, यहां से आप 28th आते हो, तो देखने में 35 स्टूडेंट दिखते, लेकिन आपको ही दो बार काउंट किया है मैंने, इसलिए माइनस में। क्लियर 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 क्लियर। बहुत सुंदर, बढ़िया, आराम से एकदम। और कल मैं क्लास में सुन रहा था, चिंता नहीं करना कभी भी कि क्या होगा, क्लास होगी एंड ऑल दैट, नहीं होगी, चिंता रिलैक्स रहा करो तुम लोग एकदम। जी सर। ठीक है प्रियंका चोपड़ा, अरे यार ये तो भाई अगला क्वेश्चन देंगे क्या है, सलमान खान भाई, ये कोई बॉलीवुड वाले ने क्वेश्चन बनाया, बढ़िया आराम से। ठीक है हाँ, तो क्या बोलती है प्रियंका चोपड़ा जी, प्रियंका चोपड़ा जॉनस, राइट राइट नेम। सो क्या मैं सही हूं, प्रियंका चोपड़ा जॉनस? यस सर। यस बिल्कुल, ये सब थोड़ी जानकारी रखना बेटा। प्रियंका चोपड़ा रैंक 17th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, वॉट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट? फिर से वही दुख कि भाई सब्ट्रा, अच्छा मैं सिर्फ बोल रहा था एडिशन करते आता है कि नहीं, नहीं आपको सब्ट्रैक्शन करते भी आना चाहिए, ठीक है राइट। ड्यूरिंग असेंबली द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, तो ऐसे ही खड़े होते हैं, ऐसे ग्रुप बना के थोड़ा ना खड़े होते, क्या रैंडम इंफॉर्मेशन, काटो इसको। सलमान खान इज 21st इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, वाह वाह वाह, इधर भी 20 लोग हैं, इधर भी 20 लोग, 41, बढ़िया। Got it, got it, got it, got it, got it. The other way, जैसे हम usually करते हैं, front, back, minus one, right? Yes, sir. Whichever way you want to proceed, your body. Yes, sir. Next question क्या है भाई? ये थोड़ा बड़ा question. In a class of 35 students, okay? Zia is placed 7th from the bottom. Okay. Whereas Sophia is placed 9th from the top. ठीक है? तो अगर मैं 1 to 35 लिख देता हूं, Zia is placed 7th from the bottom. Clear? Fine. Whereas Sophia is placed 9th from the top. Shahrukh is placed in between the two. What is Zia's position from Shahrukh? क्या सुंदर क्वेश्चन है यार, मजा आ रहा है। 10 लोग बोल रहे हैं, अल्फा 10, very good. Sir, if the questions ask find the total number of students, रुक जाओ कहानी पढ़ने दो भाई. In the class excluding you, then we need to subtract 2. Yes. अगर वो फ्रंट एंड बैक पूरा दे रहे हो, वैसे बोल रहे हो ना? यस सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मगर कुछ हाउ मेनी अदर स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, राइट? यस सर। या ओके चलो अभी 10 10 10 10 10 10 10। तो यहां से पता चलता है कि कोई जाग गया, कौन जाग गया? तुषार। यहां से पता चलता है कि व्हाट इज जियाज पोजीशन, आई एम जस्ट सॉल्विंग फॉर एवरीवन एक्चुअली, व्हाट इज जियाज पोजीशन फ्रॉम फ्रंट? सो 9
फिर से सोच लो सर सेवेंथ सॉरी नहीं फ्रॉम फ्रंट बेटा ये तो बैक है ना अच्छा हाँ सर सर 29 प्लस 1 यस और नो एक्सक्यूज मी सर यस सर हाँ बच्चे बोलो बेटा सर एक्चुअली माय मीटिंग लिंक हैज कम has stopped in the sense you are not able to see anything or something like that no sir not that my school meeting link has come right now I have my school meeting so you, if you want to see class. anyone who want to join the school wala class ongoing at any time I do not know the exact timing as of now you are free to proceed beta relax okay sir okay so if you want to stay back please do not worry on that okay good sheena ma'am ko bata dena main nahi aa raha hu sure ye dekho yahan pe sandesh ho bhai usne uske liye mujhe bataya hai aapke liye mujhe nahi bataya to isliye aap batao aur kisi bhi teacher ko inform karna ho wo koi bhi teacher तो आपको बोलना चाहिए कि शीतल मैम को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना मैं नहीं आ पाऊंगा ये स्टेटमेंट जाना चाहिए बेटा राइट रोटी सब्जी खा के बड़े हो रहे हैं ना अपन घास फूस थोड़ी ना खाते हैं एक्सक्यूज मी सर यस बच्चे सर एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू अटेंड यस्टरडेस क्लास बिकॉज़ देयर वाज कंफ्यूजन व्हाट टू अटेंड द स्कूल क्लास और एनटीएससी सर कैन यू पोस्ट दैट रिकॉर्डेड सेशन इन हां बेटा सी एवरी वीक व्हाट आई एम डूइंग इज एवरी फ्राइडे को आफ्टर ऑल द क्लासेस गेट ओवर ऑफ द वीक आई अपलोड ऑल द लेक्चर्स ऑफ द वीक ऑन द सेम प्लेस ओके डियर सो टुमारो आफ्टर द क्लास ऑल द लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ओके बच्चे सर हां बेटा बोलो So I was not able to solve the day before yesterday DPP sir because I was not well. Okay, no problem. आप login करो उसको और मुझे एक बार मैसेज कर देना तो I'll activate it for you. Okay बेटा? Yes. Sir. So good. Fine. चलो आगे बढ़े. तो हम क्या बोल रहे थे यार ये 9th है, ये 29th है. Right or not? Clear? इनके बीच में कौन बैठा हुआ है शाहरुख खान बीच वाली पोजीशन क्या है सर 19th होगी सर 19th फ्रॉम द टॉप सोच लो यार हाँ सर पक्का हाँ सर So, 9 से लेके 29 तक 21 डब्बे हैं यस और नो राइट यस सर हाँ सो 10 बीच में अपना भाई है शाहरुख यस और नो क्लियर तो बेटा 20th पोजीशन आनी चाहिए कि 19th पोजीशन आनी चाहिए तो 19th आनी चाहिए ना क्या सरल हो गया है कि नहीं शो सर 9 से 21 के बीच में तो 20 बॉक्सेस होने चाहिए नहीं 9 से 29 के बीच में 9 से 29 के बीच में 21 बॉक्सेस होंगे तो बॉक्स कितने होंगे 9 खुद भी तो खड़ा होगा ना देखो यस सर 1 से लेके 5 के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए बेटा तो स्टेप्स होंगे 1 2 3 4 बट बॉक्स कितने होंगे 5 गॉट इट Yes, sir. Sure. So 9 से लेके 29 तक कितने बॉक्स होंगे 21 बॉक्सेस होंगे क्लियर अब क्या पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज जियाज पोजीशन फ्रॉम शाहरुख तो शाहरुख के बाद जिया की पोजीशन 10वें डब्बे पे आएगी भैया कोई शक क्लियर नो सर पक्का वेरी गुड नेक्स्ट राजस्व फिर से कहा सुनाओ बेटा पूरी देख ध्यान से सुन देखो बेटा नो सर आई अंडरस्टैंड एक्स लिख के भेजा यार तुमने यार सर आई राइट इन नो ओके सर कैन यू टेल हाउ द 10 इज कम
रिपीट बेटा सर कैन यू टेल हाउ 10 इज द आंसर हां तो शाहरुख के बाद कितने डब्बे छोड़ के अपने दोस्त आ रही है 29th वाली ठीक है भाई शाहरुख 21 पे खड़ा है राइट जी 29th पे है तो क्लियर यस सर नेक्स्ट देखो हितिक कोई तो भाई शाहरुख था इसमें कौन कौन एक्टर जिया इज अ एक्ट्रेस सोफिया इज अ एक्ट्रेस नहीं बिल्कुल मेरे को तो नहीं पता शाहरुख भाई इज एन एक्टर मतलब किंग है वो तो अब क्या ही कहेंगे इन लोग ने क्वेश्चन देखा और सॉल्व भी कर दिया बड़े जालिम लोग हैं ऋतिक इज सेवेंथ रैंक अहेड ऑफ आमिर इन अ क्लास ऑफ 39 If Amir's rank is 17th from the last, बहुत सुंदर. What is Hrithik's rank from the start? इतना सुंदर सवाल. वाह वाह. अगर पीछे से बेटा उसकी रैंक 32nd है तो ये तो गड़बड़ है बिकॉज अगर आप 32nd बोल रहे हो नो सर नहीं है 24th है यस ये तो गड़बड़ है तो देखो आपके लिए दो तीन फ्लो हैं जाने के एक ये कि वो बोल रहा है 17th फ्रॉम द लास्ट सो इन अ क्लास ऑफ 39 यस और नो फाइन 23rd 23rd will be the rank of Amir, clear? From top. तो अपना दोस्त जो है हितिक, उसकी रैंक इससे 7 पहले होगी, which will be यहाँ पर आपको 1 add करने की ज़रूरत नहीं, because the rank has been there. Clear? उस डब्बे पर खड़ा है, so 16. Got it. Yes, sir. Next. In a north-facing row of NCC cadets, Trisha is 9th from the left and Tina is 12th from the right. Okay. There are 5 cadets between Trisha and Tanya. Who are equidistant to Tina? सुंदर बहुत सारे टी हो गए तो find how many cadets are there in the row? सुंदर सर तान्या की इंफॉर्मेशन कहाँ दी है इसमें इसकी बेटा सर तान्या की तान्या नाम लिखा है कहीं पे क्या अच्छा सिर्फ नाम लिखा है हाँ लिखा तो है त्रिशा एंड तानिया आर इक्विडिस्टेंट टू टीना अब कैडेट्स आर इक्विडिस्टेंट एक ही सीक्वेंस में इक्विडिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता हाँ है ना यस लॉजिक यही है ना बेटा अगर आप एक सीरीज में बढ़ रहे हो आगे तो एक ही डायरेक्शन में दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो सकते इसका मतलब एक एक साइड है और एक दूसरी साइड है राइट और नॉट नहीं समझ आया बढ़िया तो मैं करूं सॉल्व बढ़िया आराम से ठीक तो कहानी कहती है कि एक एनसीसी परेड खड़ी है सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड यस और नो ये अपन बात कर चुके राइट एवरीवन एवरी सिंगल पर्सन राइट किसी ने 5 बोल दिया शिवानी यहां पे 5 का क्या अभिप्राय है Can't be determined लिख दूं देख बढ़िया यहां तक पहुंच गई गाड़ी बढ़िया अब क्या बोलता है एक एक लाइन को त्रिशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट तो अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट और इसको बोलूं एन एन स्टैंडिंग फॉर जितने बच्चे हैं हाँ है ना क्लियर यस या सो क्या बोलता है त्रिशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्लियर
तो तिशा एक्चुअली नाइन्थ पे खड़ी हुई है, हाँ है ना? यस सर, कोई शक नहीं इस पे। बढ़िया, वाह रुचि ने आंसर निकाल भी लिया भाई, 32 देखते हैं, बहुत बढ़िया। एंड टीना इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो अगर मैं टीना की पोजीशन को लिखूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो क्या मैं n माइनस 12 प्लस 1 लिख सकता हूं बेटा? कोई शक? मैं लिख ले रहा हूं 12th भी, ठीक है, फ्रॉम हियर 12th, फ्रॉम हियर n माइनस 12 प्लस 1, यस और नो? यस सर। कोई शक? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। There are 5 cadets between Trisha and Tanya, who is equidistant from Tina. Aye, aye, aye. Clear? तो त्रिशा और तानिया के बीच में 5 है, तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहां 2 लोग हैं और यहां 2 लोग हैं, कहो हाँ? यस सर। यस सुनो, यस सुनो, यस सुनो, यस सुनो, एवरीवन। यस सर। अरे वाह, ठीक है, थैंक यू यार। सो फाइंड हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन द रो, बताओ। पता चल गया ना आपको कि टीना की रैंक जो है वो 13th है, क्या? यस और नो? श्योर? यस। पक्का? तो ये तो कुछ और ही आंसर आ रहा है यार, 25 में से एक गए 24 आंसर आ रहा है, क्या गलत किया हमने? टीना की रैंक 13 कैसे हुई? देखो क्योंकि त्रिशा जो है वो 9 पे खड़ी है बेटा, ये ऐसा क्लियर शॉक। लेकिन टीना का रैंक से मतलब पांच कैडेट टीना को मिला के है, टीना के 2 कैडेट इधर है, फिर त्रिशा खड़ी हुई है, टीना के 2 कैडेट इधर है, फिर तानिया खड़ी हुई है, कहो हाँ? यस सर। यस सर। राइट, क्लियर? तो भैया 9वीं पोजीशन जो फ्रंट से थी ना, लेफ्ट एंड, यस और नो? यस सर। श्योर? फाइन, तो वो हमारे लिए क्या है? उसके बाद 10, 11, ओ 12, सॉरी 12, अरे कुछ भी कहो, आंसर तो 23 आना चाहिए ना फिर। यस सर, मेरा भी 23 आ रहा है। हाँ यस सर, मेरा भी 23 आ रहा है। मेरा भी यस सर 23 आ रहा है। 23 है भाई, सील, कोई कंफ्यूजन नहीं। गॉट इट एवरीवन? अभी किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज पूछो अभी। सर 34 कैसे आ रहा था? तो अरे गलत हो गया था उन लोगों से। हेलो चाहिए फिर से? देखो शुरुआत से फिर से कहानी को पढ़ेंगे और एक एक स्टेप करेंगे, ठीक है?
हमेशा मेरी यही आदत है कि मैं क्वेश्चन को साथ में पढ़ के चित्र बनाते जाता हूँ बेटा, बहुत टाइम बचता है। ठीक है, फिर से करेंगे, हो सकता है हम सही हो जाए। क्या बोलता है कि सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये लेफ्ट में होगा, ये राइट में होगा। बढ़िया, क्लियर। त्रिशा इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट हैंड से जो कि पोजीशन वन है, और यहाँ पे टोटल नौ एन नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, नाइन्थ पोजीशन पे हमारी दोस्त खड़ी हुई है त्रिशा। ठीक, एंड टीना इज ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से हमारी दोस्त टीना खड़ी हुई है। राइट एंड से किस पे? ट्वेल्थ पे। तो लेफ्ट एंड से क्या वो टोटल नंबर माइनस ट्वेल्व प्लस वन पे नहीं खड़ी होगी? हाँ सर, होगी। एवरीवन, बढ़िया। अब कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? देयर आर फाइव कैडेट्स बिटवीन त्रिशा एंड तानिया हु इज इक्विडिस्टेंट टू टीना। क्लियर? फाइन। तो टीना से इक्वल डिस्टेंस पर त्रिशा खड़ी है और इक्वल डिस्टेंस पर ही तानिया भी खड़ी है। ठीक है सर। हाँ बच्चे बोलो। सर टीना से सिर्फ तानिया इक्विडिस्टेंट है ना? तो इक्विडिस्टेंस के लिए तो दो वर्ड होते हैं ना बेटा। तानिया से जो इक्वल डिस्टेंस है टीना का वो कितना है? भाई अगर मैं बोलूंगा भुवनेश्वर और त्रिशा भी तानिया टीना से इक्विडिस्टेंट। रुक जाओ रुक जाओ। भुवनेश्वर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम रायपुर। अरे किससे इक्वल डिस्टेंस है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो मतलब उसी की तरह कोई दूसरा भी बोलना पड़ेगा ना उसके कंपैरिजन। ये डिस्टेंस पर है तो क्या बोल रहा है? टीना से इक्वल डिस्टेंस पर है त्रिशा और तानिया। गॉट इट? श्योर? बढ़िया। अब ये भी बोल रहा है कि त्रिशा और तानिया के बीच में पांच कैडेट हैं, तो टीना के हिसाब से अगर इक्वल डिस्टेंस में बांटें तो दो कैडेट यहां पर हैं, दो कैडेट यहां पर हैं, तानिया खड़ी है, त्रिशा खड़ी है, तो एक दो तीन चार पांच कैडेट हो गए। यस और नो? यस सर। इस कहानी से हमें पता चला कि 9, 10, 11 और 12th रैंक पे ही है हमारी दोस्त टीना। आया ना? Yes, sir. तो yes, sir. N minus 12 plus 1 is equal to 12 means N equal to 23 credits. Got it? कोई शक? Sure. हाँ श्रेयांश बेटा, मैंने पहले सोचा ठीक है, तो वो एक गड़बड़ है जिसके कारण कंफ्यूजन हुआ। वो मैंने सोचा कि अगर ये ससुरा इज लिखा हुआ है तो इज का फिर इज से सिंगुलर मीनिंग हो जाता है ना बेटा, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं ये इज गलत है। सर? हाँ सर, इसका आंसर 32 ही होगा शायद। यस सर। कैसे बताओ? yes. क्योंकि सर वो जो लेफ्ट में है वो तो 12 है ना, तो सर वो 12 भी प्लस करेंगे और माइनस 1 तो 32, तो ऐसे ही आंसर हो गया। लेफ्ट से ठीक है, और टीना है 12th रैंक पे लेफ्ट राइट से, राइट से। तो सर आपने जैसे 23 निकाला तो सर वो राइट का तो आपने गिना ही नहीं शायद तक। गिना ना बेटा, देखो राइट का मैं सुनो बताता हूँ। सुनो, जब मैंने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि टीना पीछे से 12th रैंक पे आया ना, यस yes. तो मैंने कहा कि अगर टोटल एन कैडेट्स हैं तो टीना आगे से एन माइनस 12 प्लस 1 रैंक पे आया ना। यस सर। राइट, क्लियर। अब हमने अभी पता किया
कि टीना आगे से 12th ही निकली, तो ये जो आगे वाली रैंक है इसको हमने 12 के इक्वल पुट कर दिया, सॉल्व करने पर हमें एन मिल गया। चमका एक्सक्यूज मी सर। श्योर। यस बच्चे। सर मेरा ना डायग्राम ही डिफरेंट बना है सर, मैंने त्रिशा और टीना के बीच में तान्या को ड्रॉ किया, तो फिर सर उसके अकॉर्डिंग। यस सर मेरा भी वैसे ही है। यस सर और शायद वैसे ही होगा। लेकिन हाँ फिर से मैं पढ़ने, आप बोल रहे हो कि त्रिशा और टीना, मतलब वन सेकंड से पढ़ने को, देयर आर 5 स्कैटर्ड बिटवीन त्रिशा एंड तान्या हु इज इक्विडिस्टेंट टू टीना। सर यस सर अगर जो तुम लोग बोल रहे हो उसको अमल करते हैं, आप बोल रहे हो कि टीना तान्या और त्रिशा के बीच में नहीं है, तान्या त्रिशा और टीना के बीच। हाँ तान्या त्रिशा और टीना कहानी को सुनते हैं, ठीक है। तो हम त्रिशा, रुक जाओ बेटा, है त्रिशा 9th है, क्लियर। आप yes, बोल रहे हो तान्या जो है वो टीना, वो और टीना और त्रिशा के बीच। हाँ टीना पीछे से 12th है, आगे से n माइनस 12 प्लस 1 है, ठीक है। चौ तान्या के बारे में हमें ये जानकारी कि इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, हाँ है ना। yes, sir. और ये 14 है तो ये भी 5 लोग हो जाएंगे, हाँ है ना। Yes, sir. ये 14 नहीं होगा, ये 15 होगा, 5 ये सुनो ये 21 हो जाएगा, तो n माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 21, सो n इक्वल टू 32 हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हो। यस हाँ सर। यस सर फिर से पढ़ रहा हूँ बेटा, ठीक है कोई बात। हाँ ठीक है फिर से पढ़ते हैं, मुझे इस चीज का लॉजिक ढूंढना है कि कहाँ से हम बोले कि तानिया जी त्रिशा और टीना के बीच में खड़ी है, ठीक है फिर से पढ़ते हैं। तो देयर आर फाइव कैरेट, हाँ बताओ सर। इसमें आई थिंक इसमें त्रिशा के लिए कहा है कि जो त्रिशा है वो तान्या और टीना दोनों से इक्विडिस्टेंट, नहीं मतलब जो तान्या इक्विडिस्टेंट दोनों से इक्विडिस्टेंट, तान्या इक्विडिस्टेंट टू टीना। हाँ यस सर, तान्या के लिए कह रहा है कि तान्या इज इक्विडिस्टेंट टू इस ससुरे का जो आलस था वो यहाँ पे हटना चाहिए। हु इज इक्विडिस्टेंट Sir, I didn't understand why the candidates between Tanya and Tina is 5. हाँ, देखो बेटा, सुनो, वही ये इक्विडिस्टेंस का गेम है ना बेटा, देखो क्या बोल रहा है, इक्विडिस्टेंस पर है तो जिसको भी बीच में लोगे तो उनके बीच में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम हो जाएंगे। जैसे हमने तान्या को बीच में लिया अगर, तो अगर त्रिशा और तान्या के बीच में 5 है तो तान्या और टीना के बीच में ही 5 है, वही तो डिस्टेंस मेजर करेगा। गॉट इट? यस सर। चमका इसीलिए yes, तो ये हमारा जो वाले क्या था आलस जो था, क्वेश्चन लिखने वाले के आलस के कारण हमारा थोड़ा कंफ्यूज yes, हुआ। उसने यहाँ क्लैरिटी नहीं दी कि वो किससे डिस्टेंस को इक्वल चाहता है, ठीक है कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ तब समझ में आ जाती है जब आप एक गलत क्वेश्चन को करेक्ट करके उसका आंसर ले आते हो, समझ में आया। दैट मींस यू गाइस हैव गॉट द एजेंडा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से लोग उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं। सर सर उत्तर मतलब नॉर्थ होता है कि पूर्व मतलब नॉर्थ होता है? भाई तू डरा दिया, उत्तर याने नॉर्थ, हाँ फिटिंग है, पूर्व याने ईस्ट। ऐसे मत करो यार, बहुत डर जाऊंगा मैं, तुम हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ में आना चाहिए। नो सर बता था, भूल गया था सॉरी। तो बताओ अगर मैं इंडिया को एक सिमेट्रिकल में डिवाइड करूं लाइन पे, तो रायपुर ईस्टर्न साइड में आएगा कि वेस्टर्न साइड में आएगा? सर ईस्टर्न, ईस्टर्न साइड। सर बेसिकली पहले इंडिया सिमेट्रिकल डिवाइड ही नहीं होगा। नहीं, अगर मैं इंडिया के लैटिट्यूड जो
उसे फ्रॉम कच्छ रन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश तक खींचता है लैटिट्यूड, ठीक है बेटा, है ना, उसके हिसाब से सेंटर मतलब उसके मिड पॉइंट को बांटू तो वहां से ईस्ट को काउंट करूंगा ना मैं, बताओ के हिसाब से तो द होल इंडिया इज इन द ईस्टर्न साइड, राइट और नॉट, नहीं समझ रहे सर, आपको डिवाइड हो जाएंगे, बताओ सर लैटिट्यूडनल में बोल रहे हैं क्या सर, वैसे डिवाइड करेंगे तो अगर हम रायपुर से ही देखेंगे तो रायपुर नॉर्थ में चल देगा शायद, ये मुझे दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, यस सर, सर शायद तक वेस्टर्न में आएगा रायपुर, ठीक है, अभी सर ईस्टर्न में आएगा रायपुर, देखते हैं खुल तो जाए, भाई बड़ा हो जाए तो देखो ये अपनी विंध्या रेंज है, छोटा नागपुर का पठार, महानदी, महानदी से थोड़ा ऊपर, राइट और नॉट, यस सर, इधर कहीं है राय, महानदी से नीचे है थोड़ा, महानदी से छोटा नागपुर के बाजू, हाँ इधर है ना ये, मैं बताता हूँ रुको, पेन कहाँ है यार, सर तापी रिवर के पास है साइड में, राइट साइड में, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे ना, हाँ तो यहाँ कहीं है रायपुर, क्या बोलते हो? नो सर, महानदी के थोड़ा पास लाइए ना आप उसको, यस थोड़ा पास लाइए, यस सर, सर दूर हो गया सर, महानदी से थोड़ा नीचे कीजिए उसको, नीचे सर राइट साइड पे, नीचे थोड़ा सर, थोड़ा और ऊपर, और ऊपर सर, मतलब महानदी के बाजू में, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मेरे को समझाओ जरा, मैं तो भाई मैं सुनो ना, ऐसा है कि मैं ट्रेन वेन से नहीं रोड से जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को अभी अभी रुक जाओ, क्या कंफ्यूज कर दिया तुमने, देखो रुको, जैसे लॉकडाउन आप जिधर रायपुर बनाते हैं वहां पर मैं बता दीजिए, लॉकडाउन के दौरान मैं भुवनेश्वर से भोपाल गया था बाइक से, अब भुवनेश्वर रहा, महानदी कहाँ मिलती है, ये यहाँ, यहाँ कहीं जगन्नाथपुरी होगा, आया ना, यस सर, यहाँ कहीं, राइट और नॉट, नो सर, जगन्नाथपुरी ज्यादा इजी होगा, वहाँ पे जगन्नाथपुरी, ये जो द्वीप बना है ना यहीं कहीं तो होगा, यस सर वहीं, यस सर यहीं पे चिल्का, है ना, फाइन, अब अगर अपन जाते हैं, ठीक है, और ये हाँ तेल नदी क्रॉस करके महानदी के साथ साथ चलते हैं, महानदी क्रॉस करते हैं, नर्मदा की तरफ बढ़ते हैं तो मंडला डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हैं यहाँ कहीं, ठीक है ना, और फिर कान्हा किस, यहाँ कहीं कान्हा किसली है, राइट, तो कान्हा किसली से थोड़ा नीचे, यस यू गाइस वर राइट, सही है, ओके, तो आपका रायपुर जो है वो रेड कलर में यहाँ कहीं आना चाहिए, राइट, यस, क्या बोल, यस सर, है ना सर, नदी के ऊपर मतलब वही थोड़ा आगे पीछे एंड ऑल दैट, राइट, तो अगर हम इंडिया को सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं तो रायपुर जो है ओके वो ईस्टर्न साइड में आएगा, ईस्टर्न साइड में आएगा, ठीक है, बढ़िया, क्या बढ़िया टाइम वेस्ट किया ना अपन ने, नो सर, यस नहीं नहीं, ये कुछ नहीं पता था कहां पे आप सर, नहीं किए, गुड, चलो नेक्स्ट, जैसे इस समय मैं बैठा हुआ हूँ गोदावरी नदी के तट पर, इस समय अगर मैं तुमको बताऊं मैं कहां बैठा हुआ हूँ, सर बोला रायपुर किस तरफ है, एक बार बता देंगे क्या फिर से, बस आंसर सर, आप फिर से टाइम, सर आप आज तक गूगल मैप्स नहीं खोले हो क्या, ये देखो इधर बैठा हूं मैं, दिख रहा हूं तो सर, बेंगलोर में हो, नहीं मैं अभी घूमने निकला हूं, सर आप कहां हो, सर आप कहां हो,
ये देखो ये ब्लू डॉट दिख रहा है? यस सर। हाँ अभी आज के लिए रहे, बस अभी शाम को वापस आ जाऊंगा। तो ये गोदावरी नदी दिख रही होगी राइट? यस सर। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये इस ब्रिज से होके आया, इसी में एक ही ब्रिज में रोड है, उसी ब्रिज में रेलवे ट्रैक भी है। सर वो कौन सी लैंग्वेज लिखा है? ये लिखा है तो तमिल लिखा है। तेलुगु, तेलुगु तमिल आंध्र प्रदेश में है ना, ये तमिल तेलुगु में लिखा है। ऐसा नहीं, ये तेलुगु है, तमिल में ऊपर से राउंड होते हैं, तेलुगु में नीचे से राउंड होते हैं। ये सर तेलुगु है। ठीक है सर, आप राजमुंद्री में हो क्या? यस 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 राइट। बढ़िया, मजा आ गया, एकदम रोड ट्रिप हो गई मेरी। ठीक है तो समझ में आ गया सर, कितना छोटा मैप कर गया। ये है घर और अभी मैं इधर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा रायपुर, इधर क्या है ये दिख रहा है? तो मैं सही बोल रहा था ना, ये देखो सर दिख गया रायपुर। यस सर दिख गया, दिख गया। अभी मैं बोल रहा था कि महानदी के ऊपर है, देखो ये है महानदी, दिख रही है बहती हुई ये लाइन दिख रही है? Yes, है ना, पूरी साफ साफ सर, टॉप ऑफ द लेफ्ट। रायपुर महानदी से काफी ऊपर है, तुमने बहुत नीचे बनवा दिया यार। सही था मैं सर, टॉप पे है उसके, थोड़े ऊपर से लेफ्ट हैंड पे। सर गलती हो जाती है, गलती तो गड़बड़ है। अब ये सब क्या है, ये चिल्का जी रहे। ओके चलो वापस आते, फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। बहुत सारे क्वेश्चन लाया था मैं, 30 क्वेश्चन करने आज। फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, 10th, 12th, 15th, 8th, किसी ने 12th आंसर दिया था इसका? यस सर 12th आंसर। यस सर। चलो आए है सुंदर क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के हिसाब से। एक क्वेश्चन ऐसा गिरेगा ही गिरेगा। फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन दिखाओ ना। अच्छा सॉल्व करना है, प्रीवियस हमने सॉल्व नहीं किया था, कर देते। सो इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, आयशा एंड अनीशा आर स्टैंडिंग 10th एंड 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड रेस्पेक्टिवली। सभी लोग, ये लेफ्ट है ये राइट है, सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। क्लियर, फाइन। आयशा ठीक है 10th पर है, और अनीशा पीछे से 8th पर है, तो आगे से मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। अगर n n minus 7 तो n minus 8 plus 1, yes or no? Yes sir। ये अनीशा, ठीक है आगे जाते हैं। If another student Ariva, whatever the name is, sorry for that respective person, who is 12th from the left and is exactly in between Aisha and Anisha. ठीक है, तो यहां से 12th पे AR, तो यहां पर ये सुनो एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति होगा, तो ये हो गए 14वें रैंक पर। राइट एंड, अच्छा ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए भाई? 22 और में से एक गए 21, ये सुनो ठीक है, तो हो जाएगा 21 माइनस 10 जो कि होता है 11 प्लस 1 12। नो डाउट एवरीवन, वेरी गुड। यहां देखते हैं क्या बोलती है कहानी। अरे कल क्विज करना है ना? Yes, sir। बनाना पड़ेगा यार, तुम लोग बहुत काम देते हो। सर इम्पोर्टेंट नहीं क्विज, सर आप पढ़ा दो, बहुत दिन से पढ़े नहीं। देखो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स गिव अ ह्यूज राइज टू मॉब लिंचिंग, ओके? डू नॉट state these kind of statement, mob lynching समझते हो ना?
चलो आगे आते हैं. The position of how many digits in the number will remain same when the first half and the second half of the digits are arranged in ascending order. सर एक ही है. देखो कितनी है, पांच और पांच दस डिजिट है भैया. 2, 4, 5, 1, 4. सर एक भी नहीं. एंड देखते हैं. सर एक है. 7, 9, 6, 3, 8. असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है. रुक जाओ रुक जाओ. इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर एक भी नहीं आएगा. 1, 2, 4, 4, 5. यस और नो? इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो आएगा 3, 6, 7, 8, 9. एक भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है. नन इज द आंसर. लॉजिक समझ में आया हाउ टू ऑपरेट? यस सर. यस सर. तो बढ़िया. सर एक भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है मतलब? मतलब देखो उसने क्या पूछा था, रिमेन्स सेम. तो अगर मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो तीन फोर होते, कितने फोर होते? तीन. तो आप इसको ऐसे लिखते 1, 4, 4, 4, 5. हाँ है ना. तो एक ऐसा नंबर होता जो कोइंसाइड करता, तो आंसर हो जाता ओनली वन. चमका? यस सर. यस सर. अगर वो इसी को सुनो ध्यान से देखना, हाउ मैनी की जगह कर देता विच, तो आंसर हो जाता 4. चमका? क्लियर? बहुत सुंदर. नेक्स्ट. प्रिया एंड गरिमा जी के बारे में बात हो रही है. सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो देख ये राइट हो जाएगा या लेफ्ट हो जाएगा. प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम द राइट. श्योर? आगे से हो जाएगा नंबर माइनस 19 प्लस 1. They interchange their position and Ram, who sits 24th from the left end, sits at the 5th place to the left of Priya's new position. क्या बात है? क्या क्या? बहुत अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन. 36 सही है, बहुत सुंदर. 47 भी सही है, बहुत सुंदर. सर मल्टीपल आंसर है क्या? नहीं एक ही है. डरा मत सर. सर ब्लफ कर रहे हो ना लोग को. सो अभी 47 की बाहर चालू हो गई. गुड 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 गुड. सो देखो क्या हुआ स्टोरी में. एक पार्ट है कि राम भाई का है, राम हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट. तो एक्चुअली में राम भाई जो है वो 24th पे बैठे हुए हैं. राम भाई को नो इशू है, वो वैसी के वैसी स्थिर है. ओके? फ्रॉम फ्रंट है. ठीक? अब चेंज करने के बाद ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना. प्रिया जी यहां कहीं चली जाएंगी, ये सुनो. प्रिया न्यू और गरिमा न्यू यहां कहीं आ जाएंगी. हाँ है ना. वी डो नॉट नो एग्जैक्ट पोजिशन बट समवेयर. क्या बोल रहा है राम भाई? सर दे इंटरचेंज लिखा है तो बस वही वही हो. क्या बात, कितने अच्छे पोजिशन पता है. राम भाई इज फिफ्थ. यस ऑर नो? प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया. अब प्रिया की जो नई पोजीशन है वो ये रही. आया ना?
right? Clear? इसमें से पांच सब्ट्रैक्ट करने पर 24 आ रहा है, am I right? Got it? सर तो मेरा 36 कैसे आ रहा था? गलती से. क्लियर? भाग जाओ, बिल्कुल रुको मत, बिल्कुल भाग जाओ. सर 24 में से 5 माइनस करना चाहिए ना? 24 में से 5 माइनस थोड़ी ना बेटा. अब अगर ढंग से देखें तो प्रिया के नीचे आएंगे, लोअर रैंक्स पर आएंगे, है ना, लोअर डिजिट्स पर आएंगे राम भाई. यस सर. समझ में आया? बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भाग जाओ, बिल्कुल कोई 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 व्यवहार नहीं. सर बताओ ना, उसमें 5 माइनस क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि वो राम भाई जो है वो नीचे आना चाहिए. और बेटा देखो, राम भाई की रैंक नहीं, राम ऊपर आना चाहिए, प्रिया नीचे आनी चाहिए ना. रैंक में ऊपर होना पोजीशनिंग में छोटे नंबर पे आता है ना, लॉजिक लगा बेटा. हाँ सर समझा. और टुवर्ड लेफ्ट है, टुवर्ड लेफ्ट. अरे मैंने ये बंद कर दिया, अरे बहुत देर लगी. हाँ टुवर्ड लेफ्ट है ना, तो सुनो. हाँ, सुनो, मान लो प्रिया जी अगर छठवे नंबर पे रहती तो राम भाई कहाँ होते? पहले नंबर पर. सिंपल हो गया. अच्छा हाँ, ओके सर, बस थैंक यू सर, गुड डे सर, बाय बाय.